Hi everyone, welcome back to Vedas Career Academy. So students, as you know, exam dates are out for your JKSSB class 4th as well as Panchayat Account Assistant exam. So अब अपनी स्पीड को जो प्रेपरेशन स्पीड है उसको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे. अब मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कवर करूँगा और हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा. इसके अलावा आप खुद से प्रैक्टिस करिए और किसी तरह का भी कोई अगर आपको डाउट आता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके स्टडी मटीरियल के लिए, एक्स्ट्रा पीडीएफ्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? तो आज का जो मैंने टॉपिक रखा है एवरेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. 20 में से दो क्वेश्चन इसके आने ही आने हैं. क्लियर? सो पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा. सो स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा अब पहले से ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 22nd को. आपको पता है स्टार्ट होना है 28 अक्टूबर तक चलेगा. सो नियर अबाउट आपके पास 1 month अभी भी है. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और आपको अब रेगुलर वीडियोस जो है JKSSB क्लास 4th की वो मिलने वाली है. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एवरेज वर्ड आप लोगों ने सबसे पहले सुना हुआ है ना, काफ़ी बार सुना हुआ है एवरेज. अगर मैं बोलूँ दो नंबर की एवरेज निकालो, दो और चार की, तो आप क्या करेंगे, दो और चार को करोगे प्लस और दो से किया डिवाइड. यही करते हो, छः को दो से डिवाइड किया, एवरेज आ गई 3. अब इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं चीज़ों को. मतलब 3 ऐसा नंबर है जो 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है ना. तो सेंट्रल वैल्यू किसी भी चीज़ की निकालना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी एवरेज. क्लियर? अच्छा, किया क्या हमने, जितनी वैल्यूज थी 2 और 4, दो सबको किया प्लस और जितनी थी उससे किया डिवाइड, है ना. तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग बना लेंगे. एवरेज का फॉर्मूला हमारा बनेगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर हों उन सभी को क्या करना है, सम, और डिवाइड करना है आपने जितने टोटल नंबर हो. तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वहाँ पे वैल्यूज होंगी वो हम लोग डिवाइड में रखेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी. मैंने बोला एवरेज निकालो 10, 12 और 16 की. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सभी का क्या निकालेंगे, सम. सम कैसे करेंगे, 10, 12 और 16. अब डिवाइड में क्या लेंगे, कितनी टर्म्स है टोटल, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ क्या आएगा, 3. क्लियर? 16, 12, 28 और 10, 38, 38 बटे 3. तो इसकी एवरेज क्या बनी आपकी, 38/3. क्लियर? तो मतलब 38/3 जो नंबर बनेगा आपका, ये नियर अबाउट बनेगा आपका 12.6 के आसपास. तो मतलब 12.6 इन तीनों नंबर की अप्रॉक्सीमेटली क्या है, एवरेज है. क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन में इनका यूज़ कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अगर एवरेज आपकी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, मैंने मान लिया एन वैल्यूज़ हैं, तो अगर मुझे किसी एवरेज दी हो, टोटल वैल्यूज़ दी हो, तो मैं उसका सम निकाल सकता हूँ. कैसे निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, ये चीज़ यूज़ करूँगा बार बार, दैट्स वाई यहाँ पर डिस्कस कर दी. क्लियर? सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, फाइंड द एवरेज ऑफ 55, 60 एंड 62. इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो एवरेज का आपको पता है कैसे करते हैं, सम करना है सबसे पहले, 55 प्लस 60 प्लस 62, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल कितनी वैल्यूज है, 1, 2 एंड 3, तो 3 से करेंगे डिवाइड. ठीक है, 5 और 2 बनेंगे आपके 7, 6, 6, 12, 12 और 5, 17, तो 70, 177. डिवाइड करेंगे तो 3, 5, 15 कटेगा ये, और 2 बचेगा 27, 3, 9, 27. तो इसकी एवरेज क्या निकल के आएगी आपके पास, 59. सो स्टूडेंट्स, ये मैंने इजी वे में आपको बता दिया कि एवरेज ऐसे निकलती है. अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सो मूव करते हैं. सो स्टूडेंट्स, उससे पहले ये कुछ ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाएगा और 10 सेकेंड में आप लोग आंसर आराम से कर पाओगे. फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका बनेगा, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेके आप मुझे 4 तक की गिनती की एवरेज बताओ, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है. पहले हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, करके देखो, 4 और 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10, है ना. सम बन गया 10, टोटल वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4. डिवाइड करेंगे तो क्या बना, 2.5. क्लियर? तो क्या एवरेज बनी, पहले 4 नेचुरल नंबर की एवरेज बनी मेरी 2.5. ठीक है, बट अगर मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो, अगर मैं सम की बात करूँ, किसकी, सम की, सम अगर पहले एन नेचुरल नंबर्स का मुझे निकालना हो, उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय
टू, यहाँ पे एन क्या होता है आपका, जहां तक कि आप गिनती ले रहे हो, जैसे वन से लेके 20 तक ले रहे हो तो आपने एन की वैल्यू क्या उठानी है यहाँ पे, 20। क्लियर? इस तरह से सम निकलता है। अब ये फॉर्मूला है आपका सम का। एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, सम सम को डिवाइड करते हैं जितनी वैल्यूज हो। तो इसमें कितनी वैल्यूज बनेंगी आपकी, एन वैल्यूज, तो डिवाइड करेंगे इसको एन से, तो एन से एन आपका कट जाता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बन जाता है सिंपल, एन प्लस वन बाई टू। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। एक उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अभी। सो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है कि एक से लेके 21 तक की वैल्यूज को पहले प्लस करो फिर उनको 21 से डिवाइड करो। नो, अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी उठानी है, 21, 21 और एक 22, दो से डिवाइड करोगे बनेगा 22 डिवाइडेड बाय दो, यानी कि एवरेज 11। खत्म। स्टूडेंट्स, ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो एक बार सेशन को लाइक करिएगा। क्लियर? तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हमारा। सो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स, एन ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर एक से लेके आप 50 तक की गिनती ले रहे हो तो उसमें आपके ऑड नेचुरल नंबर कितने बनेंगे, 25। तो एन की वैल्यू आपने कितनी लेनी है यहाँ पे, 25। और एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो सम जो होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, उसका फॉर्मूला होता है एन का स्क्वेयर। ठीक है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ, सिखा दिया अब। और अगर एवरेज निकालनी है तो किससे डिवाइड करते हैं, जितनी वैल्यूज हों, वैल्यूज कितनी है, एन, एन से ये कट जाएगा तो आपकी एवरेज क्या बनेगी, एन। यस, अगर आपसे वो पूछे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, एन का ध्यान रखना है आपने, एन कौन सी वैल्यू उठानी है, आपने एन उठाना होता है जितने उसमें ऑड नंबर्स आ रहे हो। बात समझ आ गई? यस, तो उतने ही वैल्यू। अगर एक से 50 तक पूछता तो एक से 50 तक आपको पता है आधे इवन होने आधे ऑड, तो ऑड कितने होने, 25, तो एवरेज होती है एन, तो आंसर क्या बन जाना था, सीधा सीधा 25। क्लियर? इवन की अगर हम लोग बात करें, इवन का सम होता है स्टूडेंट्स एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला बन गया। एवरेज निकालने के लिए एन से डिवाइड करते हैं तो एन से एन कट जाता है, एवरेज बनती है एन प्लस वन। मैंने कहा एक से लेके 50 तक के इवन नेचुरल नंबर की एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज। तो आपने देखना है एक से 50 तक इवन नंबर बनेंगे कितने, तो कितने बनेंगे, 25। एवरेज कितनी बनेगी, 25 प्लस वन बाय द फॉर्मूला एन प्लस वन। क्लियर है? थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को रख रहा हूँ, स्पीड में रख रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपकी कवर कर पाऊँ। क्लियर? सो ये तीन चार कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीन फॉर्मूले हो गए, और एक आपका सम निकालने का फॉर्मूला, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, बस यही यूज होता है, पूरा चैप्टर खत्म है इसी के बेस पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो आप अब आपने सभी क्वेश्चन में क्या करना है, पहले वीडियो को करना है आप लोगों ने पॉज, ठीक है, बाय सेल्फ आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने मेरी ट्रिक देखनी है, और अगर अच्छी लगे तो इन फ्यूचर आपने वही यूज करनी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो बेसिक तरीका जो एक्स से लेट करके, और एक डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन में, इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसने कहा द एवरेज ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, है ना, तो ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो ऑड नंबर का डिफरेंस आपस में कितने का होता है, दो का, है ना, जैसे वन और थ्री है तो उनका फर्क कितने का है, दो का। तो हम मान लो मैंने चार मानने हैं, तो मैंने पहला मान लिया एक्स, दूसरा मानूंगा एक्स प्लस टू, तीसरा मानूंगा एक्स प्लस फोर, चौथा मानूंगा एक्स प्लस सिक्स। अब कुछ बच्चे को ये इससे दिक्कत होगी, सर फोर क्यों, टू और फोर कैसे ले लिए, ये तो इवन नंबर है। नो बेटा, देखो हमने इनका डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस कितने का, दो का। मान लो मैंने एक नंबर है वन और थ्री, इसको अगर मैं एक्स मानूंगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स प्लस टू। अब कंडीशन समझ आ गई, समझ आ गई होगी तो लाइक कर देना स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसने कहा इन सभी की एवरेज, अच्छा एवरेज कितनी दी है, इन नंबर की दी है आपको 12, तो एवरेज की जगह मैं क्या लिखूंगा, 12। एवरेज किसके बराबर होती है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो सम कितना बनेगा, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर और प्लस एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, ये सम बन गया, टोटल वैल्यूज कितनी है, चार। ठीक है, बात समझ आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 48, एक्स कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर, तो 4x प्लस 6 और 4 10 और 2 12, ये वैल्यू बनेगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकलेगी, 48 में से 12 माइनस करने हैं और 4x के बराबर आएगा, करो सब्ट्रैक्ट, बन गया 36 इज इक्वल टू 4x, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 36 बटे 4 यानी कि 9। तो आपका जो सबसे पहला वैल्यू जो ऑड नंबर मिलेगा वो क्या मिला हमें, 9। तो इस तरह से हम सभी का पता लगा सकते हैं, ये 9 बन गया 11, दिस इज
13 एंड दिस इज 15, ठीक है। उसने पूछा था फाइंड द लोएस्ट ऑड नंबर, तो लोएस्ट ऑड नंबर आपका क्या बन गया, 9। ये बेसिक तरीका है, ये आपको आना ही चाहिए एग्जाम में। हो सकता है कई बार शॉर्टकट ना लगे, तो बेसिक अप्रोच आपको आनी ही चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसको शॉर्टकट कैसे सोच सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है चार ऑड कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर है, उनकी एवरेज है 12। तो मैं 12 को सेंटर में लिखता हूँ, मुझे पता है दो चार नंबर है तो दो इस साइड होंगे, दो इस साइड होंगे, ठीक है, लगातार है। तो 12 से पिछला वाला ऑड नंबर आपका क्या आता है, ऑड नंबर उठाना है सीधा 11। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 11, उससे पिछले ऑड नंबर 9, इससे अगला 13, इससे अगला 15। बात समझ आ गई, क्यों ये मैं सेंटर से दो इधर क्यों लिखे, दो उधर क्यों लिखे, क्यों, क्योंकि लगातार बात हो रही है और एवरेज का मतलब ही होता है सेंटर वाली वैल्यू। तो बस सीधा आप आंसर कर सकते थे यहाँ से 9। समझ नहीं आई होगी, एक बार रिपीट करके देखना, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मेरी अप्रोच देखना, ठीक है। द सम ऑफ फाइव नंबर्स इज 5, 5 एंड 5। तो पांच नंबर का सम हमें ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 5, 5 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कह रही है द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 75। तो पहले दो नंबर का एवरेज दी है आपको कितनी, 75। तो हम इनका सम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकलता है, एवरेज मल्टीप्लाई जितने नंबर की बात हो रही हो, बन गया आपका 150, ठीक है। एंड द थर्ड नंबर इज 115, तो थर्ड नंबर दिया है आपको कितना, 115, 115। तो ये दो नंबर का सम है, ये थर्ड का, ऐड करेंगे तो तीन वैल्यूज का सम मिल जाएगा हमें, तीन नंबर का सम मिल जाएगा, ये बन गया 5, 5 और 1, 6, 265। अब उसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स। अब दो नंबर हमें पता है लास्ट की एवरेज निकाली, हमें पहले उन दो नंबर का सम चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा, गिवन कंडीशन देखो, ये पांच वैल्यू का सम है, ये तीन वैल्यू का सम है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो वैल्यूज, लास्ट वाली दो वैल्यूज का सम मिल जाएगा। क्लियर, तो 5, 5, 5 में से 265 करेंगे सब्ट्रैक्ट, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 6 गए 9 और 4 से 2 गए आपके बचे 2, ठीक है, ये उसका सम बन गया। अब उनकी एवरेज कैसे निकलेगी, 290 दो वैल्यूज का सम है, तो एवरेज कैसे निकलेगी, 290 को 2 से करेंगे डिवाइड, जितनी वैल्यूज उससे डिवाइड करते हैं, ये आपको बेसिक फंडा पता है, तो बन गया आपका 145। सो द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर्स इज 145। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स आप कंडीशंस को मैच करके, बस इस एवरेज में है ही कुछ नहीं है, जो मैंने आपको तीन फॉर्मूले पढ़ाए उसके बेस पे क्वेश्चन आता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता है। क्लियर, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स, एक और एवरेज का पार्ट वेरी सून मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको डिटेल में देखिएगा। किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है JKSSB क्लास 4th के रिगार्डिंग, आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है मैंने सेपरेट आपके लिए स्टडी के लिए बनाया हुआ है, जिसमें स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं, तो वो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।